रियलिटी शो बिग बॉस के हाउस में कंटेस्टेंट अक्सर लड़ाई में हदें पार कर जाते हैं, कभी शब्दों से तो कभी हाथ पैरों से। कई बार कंटेस्टेंट कुछ ऐसा कर देते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देता है, उन्हें फिजिकली नुकसान पहुंचा देते हैं। हर सीजन की तरह बिग बॉस 14 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब फिर ऐसा नजारा सामने आएगा जब जैस्मीन और राखी सावंत के बीच जोरदार लड़ाई होगी और गुस्से में जैस्मीन खतरनाक कदम उठा लेंगी। उन्हें यकीन तक नहीं था कि उनका जरा सा गुस्सा राखी सावंत को हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। जी हाँ, भोली भाली जैस्मीन ने राखी सावंत के ऊपर हमला कर दिया और ऐसा हमला जिससे राखी सावंत की नाक तक टूट गई। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कॉफी के पीछे राखी और जैस्मीन के बीच लड़ाई हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि राखी कह रही है, जो मेरे पीछे स्पाई करेगा उसकी टांग टूट जाएगी। राखी की बात सुनकर एली और जैस्मीन उन पर गुस्सा करते दिख रहे हैं। हालांकि एली थोड़ी देर में शांत हो जाती है, लेकिन जैस्मीन और राखी के बीच ये लड़ाई जारी रहती है और ये लड़ाई बड़ा रूप ले लेती है। तभी जैस्मीन गुस्से में बत्तख का मुंह उठा कर लाती हैं और राखी के मुंह पे जोर से मार देती हैं। जैस्मीन की इस हरकत के बाद राखी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि उनकी नाक टूट गई। राखी के चेहरे पर भी लाल लाल निशान नजर आते हैं। राखी को रोते देख काली और बाकी के घर वाले उनके पास आ जाते हैं, लेकिन जैस्मीन का गुस्सा खत्म नहीं होता। इसे भी राखी नौटंकी बताती हैं। राखी का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही है कि उन्हें शो से निकालो और हॉस्पिटल जाने दो, राखी को इस वक्त इलाज की जरूरत है। उनके चेहरे पर चोट के निशान देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अब बिग बॉस राखी को निकालकर जैस्मीन की क्लास लगाएगा या फिर ये सब टीआरपी का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह से वीडियो में राखी का हाल देखा जा रहा है, वो देखकर हर कोई कांप गया। राखी को पहली बार इतनी बुरी तरह रोते देखा जा रहा है। उनके चेहरे पर चोटों के निशान भी बता रहे हैं कि राखी को काफी चोट लगी है। वैसे तो कहा जा रहा है कि बिग बॉस जैस्मीन की इस गलती के लिए उन्हें सजा भी देंगे। जानकारी के मुताबिक बिग बॉस जैस्मीन की इस हरकत की निंदा करेंगे और कहेंगे कि आपका इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन राखी को चोट लग सकती थी, इसलिए बिग बॉस को ज्यादा कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन घर की लाइट्स ऑफ होने तक कोई सोएगा नहीं। वैसे आप राखी या जैस्मीन किसके सपोर्ट में हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी जैस्मीन की हरकतें अब खराब लगने लगी हैं? बिग बॉस को अपनी पत्नी कह रही थी, एंट्री लेते ही स्टैचू को किस कर रही थी और अपने अनाप शनाप बयानों से बिग बॉस को एक बार फिर से टीआरपी की लाइन में खड़ी कर देने वाली राखी सावंत इन दिनों खूब चर्चा में है। बिग बॉस 14 में एंट्री लेते ही राखी सावंत ने सबकी हवाइयां उड़ा दी। चाहे निक्की तंबोली और मनु पंजाबी के साथ बहस हो या फिर आरशी से झगड़ा, राखी अपनी बातों को अलग अंदाज में रखती हैं। हालांकि इस वक्त राखी के पति रितेश भी अपने कमेंट्स को लेकर चर्चा में हैं। वैसे तो राखी के पति रितेश ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी थी, लेकिन राखी को बिग बॉस में अनाप शनाप बातों का जब सामना करना पड़ा तो रितेश भी सामने आ गए हैं। राखी के पति रितेश की अब तक कोई झलक नहीं दे पाया था, लेकिन रितेश मुंह छिपाकर भी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। वो मनु पंजाबी को भी जवाब दे चुके हैं और अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि अगले साल तक दो बेबी प्लान कर सकते हैं। राखी के हस्बैंड ने कहा, जी हाँ, अगले साल हम बेबी प्लान करने वाले हैं। इस साल बीमारी की वजह से हम मिल नहीं पाए, लेकिन अगले साल हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि बिग बॉस 14 की ट्रॉफी राखी सावंत को मिले, क्योंकि वो इस शो को जीतना डिजर्व करती हैं। इतना ही नहीं, रितेश ने निक्की तंबोली के उस बयान पर गुस्सा जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राखी अपनी इज्जत लुटवा कर आई है। चलिए बताते निक्की तंबोली के इस घटिया जवाब पर रितेश ने क्या जवाब दिया। रितेश ने कहा कि निक्की कहती है कि राखी इज्जत लुटवा कर आई है, मैं इसे लेकर निक्की के खिलाफ केस भी फाइल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि ये एक गेम शो है। मुझे पता है कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन निक्की ने ये बहुत गंदा कमेंट किया है। एक महिला होने के नाते उन पर किसी महिला के लिए ऐसे कमेंट करना शोभा नहीं देते। इसके अलावा राखी के पति रितेश ने बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी सामने लाने को तैयार हैं
और उन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री की भी इच्छा जताई है। मतलब बिग बॉस में राखी के पति रितेश अपना चेहरा दिखाएंगे, जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब है। तो राखी और उनके पति रितेश को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। ना जाने इंडस्ट्री को किसकी बुरी नजर लग गई, कई स्टार्स बीमारी से अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं तो कई स्टार्स की जिंदगी रग ने खत्म कर दी। जी हाँ, एक एक करके कई स्टार्स का रग केस में नाम शामिल होने के बाद इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ही क्यों पकड़े जा रहे हैं, कोई नेता या मंत्री रग केस में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या नेता और मंत्री रग केस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते होंगे? ऐसा खुद बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने कहा। जी हाँ, राखी भी इस रग केस में शामिल हो गई हैं और उन्होंने भारती का सपोर्ट करते हुए ऐसी बातें कही जिसकी तारीफ की जा रही है। पहली बार राखी की इस बात से लोग खुश दिखे, लेकिन कई लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी राखी को खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, राखी ने जब कहा इंडस्ट्री के लोगों को एनसीवी क्यों पकड़ रही है, एक बार इंडस्ट्री से बाहर जाकर भी देखो, राखी के इस जवाब से लोग सहमत दिखे। लेकिन कई लोगों ने कहा कि राखी भी रग का सेवन करती होंगी तभी वो भारती का सपोर्ट कर रही है, और ऐसा इंसान दूसरे इंसान को बचाने की कोशिश ही करता है या फिर उस मैटर में पड़ता ही नहीं है, जैसा इस वक्त राखी कर रही है। वैसे आपको राखी की ये बात कैसी लगी, आप भी अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। राखी ने भारती को लेकर भी बड़ी बात बोली। राखी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भारती ये बात कैसे कबूल सकती है कि वो और हर्ष रख लेते थे, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि भारती रग का सेवन कर सकती है। वो इतनी बड़ी कॉमेडियन है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो भारती ऐसा कैसे कर सकती है। राखी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारती हर्ष को जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है, और राखी की यही बात लोगों को बुरी लगी क्योंकि भारती हर्ष जानबूझकर क्यों अपना नाम बदनाम करना चाहेंगे, और फिर एनसीबी ने खुद भारती के घर से रग बरामद किया था। इतना ही नहीं, वो शख्स भी एनसीबी ने ढूंढ निकाला जो भारती के पास रग पहुंचाता था। बताया जा रहा है कि मुंबई के बांद्रा कोर्ट जंक्शन से बुधवार देर रात सुनील गवई नाम के सप्लायर को पकड़ा गया। उसके पास से भी काफी मात्रा में रग बरामद किया गया। साथ ही पूछताछ में सुनील ने बताया कि वो डिलीवरी बॉय बन सभी क्लाइंट्स को रग पहुंचाता था। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो हर बार फूड डिलीवरी बॉय बन जाता था, लेकिन इस बार एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाया और पेडलर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुनील ने ये भी बताया कि भारती सिंह को भी वो इसी तरह से रग पहुंचाता था। तो अब आप ही बताइए कि कैसे कोई मान ले कि भारती को फंसाया जा रहा है, और आप राखी और भारती को लेकर अपनी राय जरूर दें।